उस मंसूबे की भी जिसके जरिए वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन जोड़ने की कोशिश है, वो कोशिश लगभग रंग ला रही है और मस्बत पेशरफ्त हुई है। वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ तकरीबन जुड़ चुका है और कुछ एक हिस्सा जो है जिस पर काम होना भी बाकी है, वहां पर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जो ट्रेन का इस बार पुल है या तैयार हो चुका है, जिस पर बाजाबता तौर पर मॉनिटरिंग तो साथ साथ चल रही है, लेकिन जब जायजा लिया गया तो पता चलता है कि ट्रेन कम से कम 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस पुल के ऊपर से गुजरेगी। सीआरएस ने रियासी और संगलदान सेक्शन पर जो हतमी ट्रायल था उसका भी बाजाबता तौर पर उन्होंने खुद मुआयना किया है और 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दरियाए चिनाब पर बनने वाले सबसे बुलंद तरीन पुल के ऊपर जब ट्रेन दौड़ेगी तो वादी कश्मीर का रबता जम्मू या मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन हो जाएगा। एक बात, इंस्पेक्शन जब हुई है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीआरएस के साथ मौजूद रहे जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के नॉर्दर्न रेलवे के कंस्ट्रक्शन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीईओ हैं वो साथ रहे। संदीप गुप्ता के अलावा ऑफिसर जो नॉर्दर्न और कोंकण रेलवे हैं वो उनके साथ मौजूद रहे और ये मंसूबा जिसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है मुल्क के बाकी हिस्सों को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने की कोशिश है। तो वो जो फाइनल ट्रायल था कि दुनिया के बुलंद तरीन पुल से जब ट्रेन गुजरेगी तो क्या वो जो हवा का रुख है या वजन है या जो बैलेंस है, इसको लेकर जो तरह तरह की बातें की जा रही थी, जो खदशात या तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, वो एक तरह से दूर हुआ। इसके अलावा जो अलग अलग 9 सुरंगें हैं ये भी तफसीलात फराहम करते हुए कहा गया है कि 9 मुख्तलिफ सुरंगों में जहाँ तक बारिश पहुँची भी लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हर तरीके से बनिहाल संगलदान सेक्शन जो रियासी के साथ जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम कंप्लीट हो चुका है। अब पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं जब ये मंसूबा कंप्लीट होगा तो अमरनाथ यात्रा में भी कुछ कोशिशें की जा रही थी कि खिदमात हासिल की जा सकें और अगर कहीं इमरजेंसी पड़ती है या ज़रूरत पड़ती है तो उस दौरान आपको यहाँ पर भी आप इंतज़ामिया को ट्रेन इस्तेमाल करते हुए यात्रियों के लिए देखें। सुरेंद्र शर्मा के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं रियासी से। सुरेंद्र, एक तो ये बताइएगा इंस्पेक्शन कैसी रही ओवरऑल, और दूसरी बात ये जो हम बार बार कह रहे थे कि शायद इस बार यात्रा में अगर ज़रूरत पड़ती है नेशनल हाईवे पर किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई खलल पड़ता है तो ट्रेन सर्विसेज इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, क्या ऐसी सिचुएशन मुकम्मल तौर पर है इस वक्त? जी आसिफ, आपको बता दें कि कल ही अभी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रियासी में हुआ है जिसकी 100 से ज्यादा स्पीड से ट्रायल को मापा गया है जी। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि अगर नेशनल हाईवे कहीं बंद होता है तो उसकी वजह से यात्रा में कोई खलल ना पड़े, इसलिए इस रूट से यात्रियों को श्रीनगर पहुंचाया जा सकता है। सुरेंद्र, ये जो कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल में, ये प्लान में है या फिर सिर्फ अभी बातें हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ये जो हम देख रहे हैं जून के एंड में कहा गया था प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है, चीजें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हैं, बाकी जो टनल्स की थोड़ी बहुत तकनीकी एतबार से कुछ परेशानियां थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, पूरा प्रोजेक्ट जुड़ गया है कश्मीर प्रोविंस के साथ और अगर ट्रेन चलानी हो तो वो चल सकती है, इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है? जी, कल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने देर शाम तक यहाँ रियासी में मीटिंग ली, उसके बाद सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि 8 या 9 जुलाई को पीएम इसका उद्घाटन कर सकते हैं और यात्रा के लिए इसको खोल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सुरेंद्र ज्वाइन करने के। फिलहाल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है उन्होंने 3 दिन तक मुसलसल इस ट्रेन का मुआयना किया और कल हाई स्पीड से बुलंद तरीन उस स्टील ब्रिज से इस ट्रेन को गुजारा गया और लगातार इसको 3 दिन तक गुजारा गया और कल स्पीड और ज़्यादा बढ़ाई दी गई थी, 100 के करीब कर दी गई थी, जिसके बाद जो डाटा एनालिसिस रिपोर्ट आई है उससे वो मुतमईन दिखे। उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रहा था कि वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर अब ट्रेन रवाना की जाएगी उधमपुर और उधमपुर से रियासी के इस बुलंद तरीन पुल से होते हुए फिर बानिहाल और बानिहाल से बारामूला तक इसको लिया जाएगा। जश्न का समा और किस तरीके के मंजर था वहाँ पर
वो ये साफ दिखा रहा है कि रेलवे जो पिछले कई सालों से लगातार इस कोशिश में था कि इसको मुकम्मल किया जाए, फाइनली वो दिन आ गया है और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इसकर खुशी का भी इजहार किया। ताम हतमी ऐलान नई दिल्ली से किया जाएगा जहां पर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो दिन ख़त्म नज़दीक आ रहा है जिस दिन बाज़ाब्ता तौर पर यह ट्रेन कन्याकुमारी से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर तक आ सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं जी।